हे गाइस, मेरा नाम है विपुल एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रियलमी नार्जो 20 में अपने बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। गाइस, मैं आपको वीडियो में कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, अगर उस ट्रिक्स को आप यूज़ करते हैं तो आपके फ़ोन में बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का लाइक हम 100 लाइक में रख रहे हैं, जल्दी से इसको पूरा कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको मैं पहला ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको ये नोटिफिकेशन बार में जितने भी सारे एप्लीकेशंस रहते हैं, मतलब एप्लीकेशंस कहो या ऑप्शंस कहो, एप्लीकेशन मैं गलत बोल दिया, आप ऑप्शंस जितने रहते हैं वहाँ पर आपको मिलता होगा कि मतलब जो ऑप्शंस आप यूज़ नहीं करते उनको आपको ऑफ़ कर देना है, ऑफ़ कर देना। और अपने फ़ोन को मतलब बंद करते समय मतलब जो अनवांटेड ऑप्शंस है उनको आपको ऑफ़ करना है। इससे क्या होता है, अगर आप ऑप्शंस को ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपका फ़ोन को बंद करने के बाद आपके मतलब प्रोसेस करता रहता है। अगर देखिए, वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट और मोबाइल डाटा, ये सब बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन करते हैं, तो इनको आपको यूज़ जब ना हो तो इनको आपको ऑफ़ कर देना है। और नेक्स्ट ट्रिक ये है गाइस, आपको मतलब ब्राइटनेस जो होता है वो ऑटो ब्राइटनेस पर नहीं रखना है। इससे क्या होता है, मतलब आपका मतलब ऑटोमेटिक मतलब अपना बढ़ता घटता रहता है, जिसकी वजह से बैटरी ड्रेनिंग होती है। तो आपको एडजस्ट कर लेना है, जितना मतलब आपको यूज़ करना है उतने में आपको एडजस्ट कर लेना है ब्राइटनेस को भी। नेक्स्ट ट्रिक ये है गाइस, अगर आपके फ़ोन में अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट स्पीड नहीं मिलता है तो वहाँ पे देखिए क्या होता है। अगर आपके फ़ोन में अच्छी क्वालिटी का मतलब इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आपका जो मतलब जो आपका सिम है वो अपने टावर से कनेक्ट होने में बहुत ज़्यादा प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से आपका मतलब बहुत तेज़ बैटरी ड्रेन होने लगता है। मतलब अगर आपका फ़ोन प्रोसेस करता रहता है, बहुत तेज़ी से काम करता रहता है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन देखने को मिलता है। तो अगर आपके पास अगर दूसरा सिम यूज़ कर लेते हैं तो आपको बहुत मतलब आपका आपके फ़ोन के लिए एकदम अच्छा रहेगा, आपके फ़ोन के हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, आपको अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट स्पीड भी मिल जाएगा और आपके फ़ोन को जो मतलब जो रनिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, आपका मतलब अच्छा इंटरनेट चलने लगेगा। नेक्स्ट ट्रिक ये है गाइस, आपके अपने फ़ोन में आपको ढेर सारे एप्लीकेशन को नहीं रखना है और अपने प्ले स्टोर पर से मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन को एक टाइम में मतलब अपडेट नहीं करना है या एक टाइम में आपको डाउनलोड नहीं करना है। इससे भी आपका मतलब प्रोसेस बहुत तेज़ी से होने लगता है, जिसकी वजह से आपको बैटरी ड्रेनिंग मतलब होने लगता है। तो आपको ढेर सारे एप्लीकेशन को मतलब जो एप्लीकेशन का आप यूज़ नहीं करते उन एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में रख कर क्या करोगे बताओ, आपको उसको अनइंस्टॉल कर देना, अपना फ़ोन खाली रखेंगे तो आपका फ़ोन हैंगिंग प्रॉब्लम से बचेगा। तो आपको प्ले स्टोर से मतलब ढेर सारे एप्लीकेशन को एक टाइम में डाउनलोड नहीं करना है और ढेर सारे एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में मतलब नहीं रखना है। मतलब आपका जो यूज़ है उसको आप रख सकते हो, बट आपको मतलब जो यूज़ नहीं है, जो फालतू का है, उसको आपको अनइंस्टॉल कर देना है। आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पर जाना है, आपका मतलब जो अपडेट रहेगा उसको तुरंत अपडेट कर लेना है। रियलमी UI में आने के बाद आपको बैटरी ड्रेनिंग कम मिलेगा आपको, तो इसको कर लेना। और नीचे आपको दो तीन ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, रियलमी लैब में जाना है, आपको स्मूथ स्क्रॉलिंग करने से मतलब ये होता है कि आपका फ़ोन मतलब थोड़ा स्मूथ चलेगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ, सुपर नाइट टाइम स्टैंड बाई का ऑप्शन है, इसको आपको ऑन कर लेना है। ये आपका ऑफ रहता है, इसको आपको ऑन कर लेना है। इससे क्या होता है कि आपका मतलब फ़ोन जब रात में आप रख देते हैं तो आपका मतलब कोई भी प्रोसेसिंग मतलब सब बंद होता है। मतलब जब आप फ़ोन को ऑफ करेंगे या बटन से मतलब पावर ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, पावर ऑफ करेंगे तो आपका मतलब फ़ोन में कोई भी प्रोसेस नहीं होता होगा। और नेक्स्ट ट्रिक ये है गाइस, आपको बैटरी वाले ऑप्शन में चले जाना है और आपको यहाँ पे स्मार्ट पावर सेवर का ऑप्शन मिलता होगा या पावर सेवर का ऑप्शन मिलेगा, जो भी ऑप्शन मिलता है आपको उसको ऑन कर लेना है। और लास्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर ऊपर चले जाना है और यहाँ पर भी आपको पावर सेविंग मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको ये भी कर लेना है। ये सारे ट्रिक्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके फ़ोन में बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस यार, यही वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। अगर आपके फ़ोन में और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर देखूंगा और हो सके मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। तो चलिए, गुड बाय।